और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। राजधानी भोपाल में डेंगू का कहर जारी है। भोपाल में डेंगू के 9 नए मामले आए सामने। 15 दिन में डेंगू के 107 मरीज मिले। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 450 के पार। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर मचा हड़कंप। कल से है सर। क्या हुआ था? डेंगू बुखार आया था। उसका टेस्ट कराया? जी, टेस्ट के बाद रिपोर्ट में पॉजिटिव आया तो एडमिट कर लिया। कहाँ पे रहते हैं? पंसिल नगर से। अच्छा, अभी तक कोई घर में दवाई का छिड़काव करने के लिए कोई टीम आई? नहीं सर, अभी कोई नहीं। 3 दिन पहले आया था, 4 दिन बुखार रहा और फिर उसको उल्टियाँ होने लगी। हाँ, फिर बुखार इसका उतर ही नहीं रहा था। फिर यहाँ लाके भर्ती किया प्राइवेट में, इसकी जाँच डेंगू की निकली, फिर यहाँ पे भी जाँच करा। फीवर था, फीवर के साथ में चिल्स थे और फिर बच्चे को यहाँ लेकर आए हाई ग्रेड फीवर के साथ में। फिर टेस्ट कराने पर डेंगू पॉजिटिव आया। अच्छा, का सिर्फ एक ही वो है कि अपने आसपास अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको इकट्ठा ना होने दें। घर में भी कहीं पानी इकट्ठा है तो उसको डिस्पोज कर दें। डेंगू में हाई ग्रेड फीवर होगा, साथ में हाथ पैर में दर्द होगा, आँखों के पीछे दर्द होता है। अगर आप आँख बंद करते तो आँखों के पीछे दर्द होगा। ये मेन फीचर्स हैं डेंगू के। देवास में स्कूली बच्चों से भरी बस हादसे का शिकार हुई। नाले में उत्तरी स्कूली बच्चों से भरी बस। बस में सवार थे 30 से ज्यादा बच्चे। सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। इंदौर भोपाल बाईपास की घटना। डिंडोरी में आय से ज्यादा संपत्ति के मामले पर कार्रवाई। पंचायत सचिव के घर पर लोकायुक्त का छापा। बम्हनी स्थित आवास पर मौजूद लोकायुक्त की टीम आय से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही है। टीम जाड़ा सुरंग पंचायत में पदस्थ सचिव। जबलपुर में मिलावट को लेकर खाद्य विभाग की कार्रवाई। 12 से ज्यादा दुकानों पर टीम ने मारा छापा। खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए गए, जांच के लिए भेजे गए हैं। बेकरी में गंदगी मिलने पर रद्द किया लाइसेंस। बैरागढ़ में शिक्षा विभाग के अधिकारी के खिलाफ लोकायुक्त की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। सरकारी सेवा नियुक्त रमेश सिंगोरानी के घर पर लोकायुक्त ने मारा छापा। गांधीनगर स्कूल में टीम लगातार कर रही है सर्चिंग। इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसका रमेश संगुरानी है जो कि मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा में असिस्टेंट ग्रेड 1 है और जिनके खिलाफ माननीय लोकायुक्त महोदय के यहाँ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच प्रकरण दर्ज किया गया। जाँच की गई और जाँच करने पर प्रथम दृष्टया पाया गया कि इनके द्वारा इनके और इनके परिवार जन के नाम पर जो संपत्तियाँ वो आय से अधिक संपत्तियाँ होना प्रथम दृष्टया पाया जाने से। खाते गांव के नेमावल नगर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 5 रुपए कम होने की वजह से नहीं मिला इलाज। 5 रुपए कम होने पर मां बेटी को बगैर इलाज कराए लौटना पड़ा। पर्ची बनवाने के लिए देने थे 20 रुपए, मां के पास थे केवल 15 रुपए। 5 रुपए कम होने की वजह से महिला कर्मी ने नहीं बनाई पर्ची। पैसे कम होने पर मां बेटी का अपमान भी किया। अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। लेके आई थी तो 5 रुपए मेरे रास्ते में गिर गए थे। तो मैंने मैडम से बोला मैंने 5 रुपए गिर गए, फिर पर्ची बनवा ली मैंने। 5 रुपए मैंने कम है तो आप 5 रुपए में 15 रुपए मतलब 25 रुपए 5 रुपए कम ले लो। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, तुमको 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो मैंने की क्या हो गया, मैंने सरकारी अस्पताल 5 रुपए तो होते रहेंगे नहीं, तो इन 5 रुपए चल जाएंगे, इनका इलाज कर दो। बिलासपुर में पिज्जा कंपनी की रकम गबन करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। कंपनी का शिफ्ट मैनेजर है आरोपी। 1,32,000 रुपए का किया था गबन। सरकंडा पुलिस की कार्रवाई। बिलासपुर में अवैध कबाड़ संचालक मोहम्मद फिरोज और उसका साथी गिरफ्तार। विद्युत तार चोरी के मामले में किया गिरफ्तार। आरोपियों ने छतोना में की थी विद्युत तार की चोरी। चकरभाटा पुलिस की कार्रवाई। सुकमा में नक्सल दंपति ने किया आत्मसमर्पण। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर किया सरेंडर। लंबे समय से नक्सल गतिविधियों में शामिल था दंपति। पुलिस गश्त पार्टी की रेकी, मार्गों को खोदने में थे शामिल। आत्मसमर्पित नक्सलियों को दी जाएगी सहायता राशि। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दाऊद इब्राहिम का ध्वस दिखाकर व्यापारी से मांगी गई 10 लाख की रंगदारी। बम से उड़ाने की धमकी। पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा। आरोपी को दी गई बाबा सिद्दीकी की फोटो। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने 25 दिन पहले ही घर और ऑफिस की रेकी की थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस का एक और खुलासा। आरोपी गुरमेल और धर्मराज ने सोशल मीडिया से सीखी थी शूटिंग।
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल शूटर बातचीत के लिए करते थे सोशल मीडिया का इस्तेमाल। पुलिस को वारदात वाली जगह के पास काले रंग का बैग मिला। बैग में 7.62 mm की बंदूक भी मिली। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान को दी गई वाइपला सुरक्षा। मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पुलिस का सख्त पहरा। लॉरेंस बिश्नोई से किनारा करने के आरोपों पर बिश्नोई